Students, a very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. This is Sugan and today we will discuss our part second of the last chapter written by Alfonso Jaurat. तो अभी तक हमने जो फर्स्ट पार्ट में किया है वो हमने यही किया है कि जो फ्रेंड्स है एंड मिस्टर हैमल एक टीचर है एंड जो फ्रेंड्स है वो एक लिटिल किड है. तो इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है कि जो फ्रांसिस और प्रशियन वॉर के बाद जो प्रशियन है वो जीत गए हैं, वो लीड कर रहे हैं एंड जो मिस्टर हैमल है वो एक टीचर है जिन्होंने अपने 40 ईयर्स फ्रेंड्स के नहीं है, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को टीच किया है एंड अब आगे प्रशियन के ऑर्डर्स आ चुके हैं कि वहां पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, उन स्कूल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी. तो मिस्टर हैमल की को शो करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट के लिए बहुत सारे विलेजर्स सामने बैठे हुए हैं उनकी क्लास के लिए. तो जो फ्रेंड्स है उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है इन सब चीजों के बारे में देख के कि उन्होंने इतना सारा टाइम अपना यहाँ पे स्पेंड किया है, अब आगे क्या होगा. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सारी की सारी चीजें सोच रहा था तब मैंने देखा कि मेरे नाम को बुलाया जा रहा है. It was my turn to recite और ये मेरी टर्न थी रिपीट करने की. Recite means to repeat aloud. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle also. मैंने क्या कुछ नहीं सोचा कि मैं, जैसे जब मैं रस्ते में आ रहा था तो मैंने बहुत सारी चीजें सोची थी, मैं ये बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा कि बिकॉज मैंने अपना काम नहीं किया था, लेकिन वेरी लाउड एंड क्लियर कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से इन सब चीजों को बोलूंगा एंड विदाउट वन मिस्टेक. बट आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. लेकिन मेरी सारी की सारी चीजें वहीं मिक्स हो गई और मैं कुछ बोल भी नहीं पाया. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. लेकिन मेरी हिम्मत भी नहीं हुई अपना फेस ऊपर करके टीचर को कुछ भी बोलने की. आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी. मैंने देखा मिस्टर हैमल मुझे बोल रहे हैं, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा लिटिल फ्रेंड्स. यू मस्ट फील बैड इनफ, लेकिन तुम्हें बुरा तो फील होना चाहिए. सी हाउ इट इज, देखो ये कैसे है. Every day we have said to ourselves, हम हर दिन अपने आप को बोलते रहते हैं, बाह I have plenty of time, I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं इस काम को कल करूंगा. और अब देखो हम कहाँ पे इस कंक्लूजन में निकले हैं. That's the great trouble with Elsie's, she puts off learning till tomorrow. And यही सेम प्रॉब्लम Elsie's के साथ भी है कि वो बहुत सारे एफर्ट्स डालती है ये सोच के कि मैं कल तक कर लूंगी. Now those fellows out there will be have the right to say to you. And अब सबको, जैसे जो हमारे आउटसाइडर्स लोग हैं या फिर इस चैप्टर के अंदर जो प्रशियंस है, उन्हें कहने का मौका मिल गया है सबको कि हाउ इज इट यू प्रटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो. एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. तुम ना तो बोल सकते ना ही लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज को. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन तुम सबसे भी बुरे नहीं हो पुअर लिटिल फ्रेंड्स. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच अवर सेल्फ विद, क्योंकि इस सब की सब चीजों का क्रेडिट डिसक्रेडिट है वो भी हमें ही जाता है कि हमने ही ऐसा किया है. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू अर्न. जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उन्हें भी तुम्हारी पढ़ाई की इतनी ज्यादा चिंता नहीं है, तुम्हारे कमाने की इतनी ज्यादा चिंता नहीं है. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फॉर्म और एट द मील्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी. वो प्रेफर करेंगे कि तुम्हें फॉर्म पे लगा दे या मील पे लगा दे ताकि उन्हें थोड़े से अर्निंग हो जाए. एंड आई, और मुझे देखो, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी ब्लेम करना चाहिए. हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वॉटर माई फ्लावर्स, कि मैंने तुम्हें कभी पौधों में पानी के लिए भेजा है. इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, बजाय कि तुम अपने लेसन्स लर्न करो. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, और जब मैं फिशिंग के लिए जाता था, मछली पकड़ने के लिए जाता था, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा कि तुम हॉलीडे पे चले, कि मैं तुम्हें हॉलीडे दे देता हूँ आज की. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. एक बात से दूसरी बात की तरफ वो कॉन्टिन्यूसली फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोले जा रहे थे. सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज है पूरे के पूरे वर्ल्ड की, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारे बीच में. एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट
इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. हमें अपनी खुद की पर्सनल लैंग्वेज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज जब तक हमारे पास खुद की लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है, हम किसी के गुलाम नहीं हो सकते. जब तक और यही उनकी खुद की लैंग्वेज, उनकी खुद की जो क्या कहते हैं उसको, क्लैरिटी है, खुद की आइडेंटिटी है, उनकी खुद की लैंग्वेज से ही है. देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन. उन्होंने ग्रामर की बुक ओपन की और उन्होंने लेसन को टीच करना स्टार्ट किया. आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. और मुझे बहुत ज्यादा अमेज फील हुआ, बहुत ज्यादा मैं हैरान रह गया कि मुझे कितनी अच्छे तरह से समझ आया. ऑल ही सेड सेम सो इजी सो इजी. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली. कि वो जो चीजें वो पढ़ा रहे थे वो मुझे बहुत ज्यादा इजी लग रही थी, कि मुझे ऐसे लगा कि मुझे इतनी ज्यादा कि मैंने कभी ध्यान से सुना ही नहीं. एंड दैट He had never explained everything with so much patience. और उन्होंने भी इतनी पेशेंस से कभी इन चीजों को टीच नहीं किया. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसे लग रहा था कि जो ये बेचारा मैन है, ये अब जाने से पहले अपनी पूरे की पूरी नॉलेज हमारे लोगों हमारे माइंड्स के अंदर फिल करना चाहता था इन वन स्ट्रोक, यानी इन वन गो, यानी कि एक बार में वो पूरा का पूरी अपनी एजुकेशन हमें देना चाहता था. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. देट मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड. फ्रेंड्स एल्सेस फ्रेंड्स एल्सेस. उस दिन क्या हुआ, ग्रामर के बाद उन्होंने हमें राइटिंग के लिए वर्क दिया, जो कि मिस्टर हैमल ने हमें न्यू नोटबुक्स दी, न्यू कॉपीज दी, जिसके अंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था फ्रेंड्स एल्सेस फ्रेंड्स एल्सेस. दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेक्स. इस ऐसे लग रहा था जैसे कि चारों के चारों तरफ फ्लैग्स हैं, झंडे लगे हुए हैं. फ्लोटिंग हेयर मीन्स हैंगिंग, कि वो लटके हुए हैं स्कूल्स रूम्स में. हमें बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक फीलिंग आ रही थी कि एक तरफ रोड के ऊपर जैसे झंडे से लग जाते हमारे डेस्क पे, हमें ऐसे फील हो रहा था. यू ऑट टू हैव सी हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज. तुम्हें देखना चाहिए था कि बहुत ज्यादा हर कोई अपने काम में बिजी था एंड बहुत ज्यादा शांति थी. द ओनली साउंड एवरीवन सेट टू वॉज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. सिर्फ और सिर्फ पेन को निकालने की साउंड ही थी. वन सम बीटलेस फील्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम. कुछ एक भंवरे भी उड़ रहे थे लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, नॉट इवन द लिटल वंस. सबसे जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि फिश के कांटे ड्राइंग कर रहे थे, उन्होंने भी बिल्कुल भी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया. एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, वो भी ऐसे सुन रहे थे जैसे कोई वो फ्रेंच सीख रहे हो. ऑन द रूफ द पीजन्स क्यूल्ड वेरी लो, एंड ऊपर जो पीजन्स है वो बोल रहे थे बहुत ज्यादा स्लो स्लो आवाज में. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, कि अब क्या पीजन्स भी जर्मन लैंग्वेज में सिंग करेंगे, वो भी गाएंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair. जब मैंने देखा कि जब मैं लिख रहा था तो मैंने देखा मिस्टर हैमल है वो अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं विदाउट एनी मोशन, एक तरह से मोशनलेस होके वो अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं. एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, गेजिंग होता है देखना, कभी एक चीज को देख रहे हैं कभी दूसरी चीज को देख रहे हैं. एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटल स्कूल रूम. सिर्फ और सिर्फ वो यही देख रहे हैं कि इस छोटे से स्कूल में हर एक चीज कैसे फिक्स है. फैंसी, वाओ, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. पिछले 40 साल से वो एक ही प्लेस में है. विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनके विंडो के बाहर एक गार्डन है. एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास है उनके सामने. जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैव बीन वॉन स्मूथ. पिछले 40 सालों में कुछ भी चीज चेंज नहीं हुई है, सिर्फ जो डेस्क हैं वो ही और ज्यादा स्मूथ हो गए हैं, पहले से जैसे चिकने हो गए हैं. एंड द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो अखरोट के पेड़ हैं वो बड़े हो गए हैं. द होप विन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंट अबाउट द विंडोज टू द रूफ. और जो होप विन, जो कि बेल है, जो ये इट्स अ ट्री, तो जो उन्होंने वो जो उन्होंने बेल लगाई है वही मतलब लिपट लिपट के वही विंडो से अब छत तक पहुंच गई है. How it must have broken in his heart, leave it all, poor man. कितना ज्यादा दुख होता होगा कि जब वो इन सब की सब चीजों को छोड़ के जाएंगी. To hear his sister moving about the room above, packing their trunk. और इस तरह से आवाज आ रही थी जैसे ऊपर उनकी जो सिस्टर है वो उनकी पैकिंग कर रही थी, उनके ट्रंक्स को पैक कर रही थी.
फॉर दे मस्ट लर्न द लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन कंट्री को छोड़ के जाना था. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा साहस था हर एक चीज को लास्ट तक सुनने का. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिज हिस्ट्री एंड देन द बेबी चैंटिंग देयर बाबी बी बोबू. और जो चैप्टर है उसके बाद जो बच्चों को इन चीजों को रिपीट करना था, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होशो हैड पुट ऑन द स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल द लेटर्स विद देम. उसके बाद जो हॉजर थे, जो ओल्ड पर्सन थे, उन्होंने अपनी स्पेक्टिकल्स लगा लिए थे और उन्होंने अपनी बुक को, प्राइमर को अपने दोनों हाथों में पकड़ा था और वो जो लेटर्स है उनके साथ उनको स्पेल कर रहे थे कि वो भी कुछ लर्न करना चाह रहे थे. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, एंड तुम देख सकते हो कि वो भी ऑलमोस्ट रो ही रहे थे. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी जो आवाज है जब वो रिपीट कर रहे थे वर्ड्स को, वो बहुत ज्यादा लड़खड़ा रही थी. एंड इट वॉज सो फनी, और ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा फनी लग रही थी. Hear him that all we wanted to laugh and cry. उस टाइम हम सबका रोने का भी मन कर रहा था और हंसने का भी. Ah, how well I remember it, that last lesson. कितनी अच्छे से मुझे remember है वो last lesson. All at once, the church clock struck 12. उसी की उसी टाइम चर्च की घड़ी में 12 बज गए. Then the angels, at the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill. Then the angels, it's a name of the church. उसी की उसी टाइम जो Prussians है, जैसे वो जीत के ड्रिल से वापस आ रहे थे उनकी जीत की खुशी में, तो वहां पे साउंड क्रिएट हो रहा था अंडर द सेम विंडोज. मिस्टर हैमल स्टूड अप वेरी पेल, मिस्टर हैमल वहां से खड़े हो गए, उनका जो फेस था पूरा का पूरा येलो हो गया था बिकॉज ऑफ सैडनेस. इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा. माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने खड़े होकर उन्होंने बोला मेरे दोस्तों, एंड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम. चॉक्ड का मतलब होता है ब्लॉक, लेकिन कोई चीज उन्हें ब्लॉक कर रही थी. ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए. Then he returned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as long as he could. उन्होंने एक ब्लैकबोर्ड लिया, एक चौक के साथ उन्होंने अपना फुल फोर्स के साथ उस चीज को बोलना स्टार्ट किया, जितना ज्यादा वो बड़ा लिख सकते थे. Vive la France, France जिंदाबाद. Then he stopped and leaned his head against the wall. तब वो रुके, leaned होता है झुकना, दीवार के सहारे वो झुके. एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथ से ऐसे इशारे करके हमें बोला स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, कि स्कूल खत्म हो चुका है और अब आप जा सकते हो. सो गाइस, हमारा ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है. एंड अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो नीचे. एंड इसके अलावा आप जिसे खुद से अपनी चीजों को ट्राई करो, जो इसके क्वेश्चन आंसर है आप इनको खुद से लिखे देखो, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कैरेक्टर स्केच आ सकते हैं मिस्टर हैमिल के ऊपर या फिर फ्रेंड्स के ऊपर, जैसे कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं. तो आप खुद से जितना ज्यादा ट्राई करोगे आपके लिए उतना ज्यादा बेटर होगा, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हमें कोई भी चैप्टर लर्न करना है, हमें ये जरूर लर्न करना है साथ के साथ कि उसका राइटर कौन है. जैसे लास्ट लेसन के राइटर को हमें साथ के साथ ही लर्न करते हुए चलना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इज द वेरी बेस्ट टाइम कि आप अब से पहले अपनी चीजें स्टार्ट कर लो, तो आप धीरे धीरे करके 90+ पे आप इजिली स्कोर कर सकते हो. स्टार्टिंग में हमें ज्यादा नहीं लगेगा, तो मेक योर टाइम टेबल. एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. सो थैंक यू वेरी मच, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब. हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच.